أعوذ بالله ثم نعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. अल्लाह को इतना आजिज बना देकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो चीजें साबित कर रहे हैं जो उनके लिए अल्लाह ने कहीं बयान नहीं की। तो मैंने आपके सामने ये बात पेश की। इसके बाद जनाब साहब अपने आप को सहिंदी भी कहते हैं और इसके अलावा तमाम जितने लोग अपने आप को सहिंद की तरफ मंसूब करते हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप अपने सहिंदी साहब को मिले। सहिंदियों के बुजुर्ग बुजुर्ग पेशवा सरदार हजरत मुजद्दद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह सारे मुतलक के रहमतुल्लाह अलैह उनके मक्तूबात के ईमान रब्बानी ये मेरे हाथ कम से कम उन लोगों को खुशाम करनी चाहिए जो इनकी तरफ अपनी निस्बत करते हो। कहते हो कि हम सहिंदी हैं, कहते हो कि हम मुजद्दिदी हैं, कहते हो कि हम इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। ये देखते हैं इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की मेरे पास एक मक्तूबात है। इसके अंदर वो फरमाते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कि अगर सबको दोजख में भेज दे उनको हमेशा का अजाब फरमाए कोई एतराज की जगह नहीं है। खुद हजरत सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का भी नजरिया यही था कि उनका जो है ये उनका वो नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इख्तियार है कि वो सारी कायनात को जहन्नम में डाल दे या सारी कायनात को जन्नत में डाल दे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मक्तूबात इमाम रब्बानी है, इसकी जिल्द दोम है और इसका हिस्सा चहारों है दफ्तर अव्वल, ये हमारे सामने मौजूद है। अगर किसी को ये अदालत देखती हो और ये तर्जमा भी बरेली हजरात का किया हुआ तर्जमा है, ये फारसी में असल किताब है, तर्जमा बरेली हजरात का किया हुआ है। अगर गलत तर्जमा इन्होंने खुद किया है तो बरेली को पकड़ो, हमारा कसूर नहीं। एक तरफ इन बुक की किताबों पर नहीं पता हमने किताबों में क्या लिखा, इंशाल्लाह मैं आपको जगह जगह बताऊंगा। जो एतराज किए हमारी किताब से एक पेश करेंगे हम वो इबादत की किताबों से इंशाल्लाह 10 पेश करेंगे। इनको ये नहीं पता हम किताबों में क्या लिखा है, किताबी अकीदा और है और खिताबी अकीदा और है। ये दूसरा मेरे पास मवाद और सवाल है, कहते ये औलिया को नहीं मानते, देवबंदी क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली है, उसका अकीदा भी हमारा अकीदा एक है। ये दूसरे वली तहरी के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, इनकी फवाइद और फवाद का मुजाब मेरे हाथ में है। छापने वाला बरेलियों का कुतुबखाना है अल-फैसल, ये बरेलियों का कुतुबखाना है छापने वाला, तर्जमा भी इन्हीं का किया हुआ है, ये फारसी में है, तर्जमा भी इन्हीं का किया हुआ है। इसके अंदर आप देखें वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर कल कयामत के दिन हम ताला मुझे और भाई ईसा यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोजख में ले जावे तो ये ऐने अदल होगा। अल्लाह ताला अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलाम को जहन्नम में दाखिल कर दें ये अल्लाह का अदल होगा। फरमाया कि हाँ सारा आलम उसकी मिल्कियत है, अगर कोई अपनी मिल्कियत में तसव्वुर करता है तो उसको जुल्म नहीं कह सकते। जुल्म वो होता है कि जो दूसरे की मिल्कियत में तसव्वुर किया जाए, ये तो दूसरे की मिल्कियत का तसव्वुर नहीं है, ये अपनी मिल्कियत का तसव्वुर है, लिहाजा इसको जुल्म नहीं कहा जाएगा, इससे अल्लाह को आजिज करार नहीं किया जाएगा। अल्लाह आजिज नहीं है, अल्लाह ताला इन कामों के करने पर भी कादिर है। ये लोग इन चीजों को अगर समझ जाते तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, लेकिन खुदा जिसको समझ ही ना दे उसको इंसान क्या समझ दे सकता है। जो अगर बढ़ते हुए शनि के कर गया हो तो हमारा क्या कसूर है इसमें। ये मेरे पास दूसरी किताब है अल-फतह रब्बानी महबूबे संदानी गौसे रब्बानी हजरत मुजद्दद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिसके नाम की ग्यारहवीं तो हर महीने खाते, लेकिन ये पता नहीं कि उन्होंने किताब में लिखा क्या है। उनकी किताब अल-फतह रब्बानी मेरे हाथ में है और या को मानने वाले उनकी किताबों से हमारे पेश करते हैं, वही अकीदा रखते हैं जो या की किताबों में लिखा होता है। ये देखें वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कि अगर वो अंबियाए इकराम को सालिहीन में से अगर वो फर्जंद अंबियाए इकराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है। तो अल्लाह को हर चीज पर इख्तियार हुआ है नहीं हुआ। अल्लाह किसी को दोजख में डाल दे अल्लाह को इजाजत है, अल्लाह किसी को जन्नत में डाल दे अल्लाह को इजाजत है, वो चाहे तो किसी से हिसाब ले ले चाहे तो हिसाब ना ले बगैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिल कर दे। और हजरत सुल्तान बख्त रहमतुल्लाह अलैह का शेर तो बड़ा मशहूर है, आम लोग भी पढ़ते रहते हैं, पंजाबी के शेर है, कहते अदल करें ता थर थर कंबन उचिया शाना वाले हु जे रहम करें ता भशे जावन मैं जे मुकाले। फरमाया ऐ अल्लाह अगर तू इंसाफ करने पर आ जाए तो बड़े बड़े लोग भी कांपने शुरू हो जाए और अगर तू रहमत करने पर आ जाए तो मेरे जैसे गुनाहगार भी जन्नत में चले। औलिया इकराम को मानने वाले ऐसे होते हैं, अगर चलो औलिया इकराम को हम नहीं मानते तो आप मान लो उनकी बातें आप मान लो और खुदा का वास्ता है इनको मानकर फिर अंदर गलियों में और मैदानों में और बाजारों में आकर इस तरह
दिया आपको, तो लो अपनों की मान। ये तो इनका अपना बोली है, ये तो हिंदुस्तान का। ये किताब फतावा फैज़ो रसूल प्रेमी मसल की किताब आप उनके सामने पेश करेंगे, अगर वो थोड़ा सा समझदार तो अच्छा मैं इस किताब का इंतजार नहीं करेगा, थोड़ा सा भी गौर, बाकी ना समझ की क्यों करेंगे। ये कहते हैं इनसे पूछा गया सवाल कि मुशरिकीन की बख्शिश तहते कुदरत के बारे ताला है या नहीं, यानी अल्लाह ताला मुशरिक को बख्श सकते हैं या नहीं। फरमाया अल जवाब, बेशक मगफरत मुशरिकीन तहते कुदरत के बारे ताला है। हासिल यह है कि मगफरत मुशरिकीन अकलन मुमकिन बिसात और शरअन महाल गैर है। और सफा नंबर इसका 2 है और ये फतावा फैज़ो रसूल हिस्सा अव्वल है, आप हज़रात खुद भी इसको देख सकते हैं, हमारे पास ये किताबें मौजूद हैं। जिन साथियों को भी इन किताबों को देखना हो इंशाल्लाह हम उनको ये किताबें दिखाने को तैयार हैं, उनको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई। कहते जी ये अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन मानते हैं, कहते अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है, ये कहते हैं बयान, इनको अपना किया पता नहीं। ये फसले हक खैराबादी, मौलाना फजले हक खैराबादी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, अंग्रेजों के खिलाफ काम करने के जुर्म में और केस में इनको जजीरा निमन की जेल में डाल दिया गया और वहीं से इनका जनाजा निकला। इसके नाम बना लेते हैं, कहते जी ये हमारे आलिम, हमारे आलिम, ये मेरे पास उनकी शिफात मुस्तफा की किताब है, इन्हीं के मकदमे की शाया की हुई है और इन्हीं के मौलवी की तकरीर है, ऊपर किताब मेरे पास है। अगर आपको हमारी समझ नहीं आती कम से कम अपनों की बात और देख लो कि वो क्या फरमाते हैं, इनके 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 भी मुस्तनद आलिम माने हुए आलिम, वो कहते हैं अल्लाह ताला की खबर में किस मुमतने पे गैर है और मुमतने पे गैर होना इम्कान जाति के मुनाफी नहीं है। यानी अल्लाह ताला, ये तो बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला किसी गलत बात अदा नहीं कर सकते, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो मुमकिन जाति भी नहीं है। फरमाया ऐसा नहीं है, वो मुमकिन जाति है। और मुमकिन जाति का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को इस बात की कुदरत और ताकत है कि अल्लाह उस काम का सुजूद कर दे जो मेरी कहने किसी को तो गलत है काम है, और गलत काम अल्लाह करेगा तो अल्लाह खुद नौजबिल्ला एहदार हो जाएगा। हम कहते करेगा तो एहदार होगा ना, नहीं समझे भाई, करेगा तो इफ्तार होगा, तो करे ही ना तो देखे से इफ्तार होगा। कहते नहीं अल्लाह इफ्तार हो गया। मैंने कहा जो आदमी चोरी ना करे उसमें चोरी की ताकत होती है, तो क्या वो बुरा भी होता है? किसी को कहा जाए कि आप बड़े बुरे आदमी, कहते क्यों, कहते आप चोरी की ताकत है, तो क्या वो ये तो नहीं ना, जब करेगा तो बुरा होगा। कहते जी अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना चाहे, हम कहते हैं कुदरत है, ताकत है, लेकिन अल्लाह अपने कानून की खिलाफ वर्जी चूंकि करता नहीं इसलिए ऐसा करेगा भी नहीं। ये मसला उलमाए इकराम के दरमियान रहना चाहिए था, आवाम इन मसाइल को नहीं समझती है। पास वो समझ सुनते कुछ हैं जाकर बोल कुछ देते, फिर कहते जी मुल्की साहब से भी मुझे सुना, अगर ये मिलो से जो मुल्की साहब बोल रहा था वो कुछ और बोल रहा था, इसने कुछ और सुना, लेकिन इसलिए आवाम में इन मसाइल को बयान करने से उलमा ने मना किया है। लेकिन ये अगर आवाम में इन मसाइल को छेड़ कर हमारी तरफ इल्जाम लगा देते हैं, फिर हमें मजबूरन आकर इन बातों को पेश करके अपनी मजाक करनी पड़ती है। हम कभी ये बातें पेश ना करते अगर ये लोग हमारी तरफ से इन बातों को मंसूब ना करते। इन्होंने मंसूब किया और हमें पेश करना पड़ गया। ये एक हवाला मैंने आपके सामने पेश किया है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब अगर किसी ने किसी को यकीन फिर भी ना आए तो वो मैदान लगा ले, इंशाल्लाह मैदान में नहीं हम उसको इससे भी ज्यादा हवाला जात दे देंगे। वक्त की किल्लत है, हवाला जात बहुत है, इसलिए दो चार हवालों पर इत्तेफाक किया जा रहा है, आगे इंशाल्लाह आपको मजीद हवाला जात हम देंगे। इसके बाद ये हमारे पास ये दूसरा हवाला जिसने पेश किया, मुझे की बात की खुद रिकॉर्डिंग में जो वो पेश कर रहे थे यही बातें पढ़ रहे पेश के जी। अल्लाह ताला को पहले से इलम नहीं होता कि बंदे क्या करेंगे, जब बंदे करते हैं तो इलम होता है। कह रही है कि दुनिया बाकी है कि अल्लाह को पहले से पता नहीं होता कि काम करना पता है बोलो तो है।